मैं ये सुनकर सुन्न हो गई थी। मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया। अंजलि के बारे में सोचकर कांप गई कि पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। क्या उसे पता है मिसेस सहगल के बारे में? जब उसे ये पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? माँ पिताजी क्या कहेंगे? इतने सवाल मेरे दिलो दिमाग में आ जा रहे थे और इनका जवाब सिर्फ सहगल और अंजलि के पास था। सहगल से बात करने की ना तो हिम्मत हो रही थी अब और ना ही मन था उससे कुछ बात करने का। वो मेरी नजरों में गिर चुका था। बस अंजलि की चिंता खाई जा रही थी। उसकी जानकारी लेने की वजह से ही सहगल से बात करना चाहती थी, क्योंकि अभी तक भी अंजलि का फोन नहीं लग रहा था। मैंने सहगल को कॉल नहीं किया बल्कि मैसेज किया कि अंजलि कल से बेंगलोर का कहकर गई है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? तुम्हारी उससे बात कब हुई थी? मैं प्रिया हूँ, अंजलि की बड़ी बहन। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक रात को अंजलि का फोन आया। मेरी जान में जान आई। उसने कहा, दीदी मैं बेंगलोर हूँ, फोन में प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए बंद था, कल सुबह आपसे बात करती हूँ। मैंने बीच में ही उसे टोका और कहा कि सहगल कहाँ है? उसने कहा, मनु लखनऊ है। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं उस पर चीख पड़ी, अन्नू शर्म नहीं आती तुम्हें मुझे झूठ बोलते हुए? जो सहगल अभी 2 घंटे पहले दिल्ली था वो अब लखनऊ कैसे पहुंच गया? क्यों मुझे बेवकूफ बना रही हो? अंजलि ने कहा, नहीं दीदी मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा और ना ही मैं आपको बेवकूफ बना रही हूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं कॉल नहीं कर पाई कल क्योंकि फोन में दिक्कत हो गई थी। क्या हुआ दीदी बताइए प्लीज? मैंने कहा कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और मुझे चिंता हो रही थी तो मैंने तुम्हारे ऑफिस से सहगल का फोन नंबर लिया। जब वहां कॉल किया तो वो दिल्ली में था और मेरी बात जिससे हो रही थी उसने बताया कि वो मिसेस सहगल बोल रही है। मिसेस सहगल? अंजलि ने हैरानगी से कहा, दीदी आप मुझे वो नंबर बताइए जो आपको ऑफिस वालों ने दिए हैं। मैंने उसे नंबर बताए तो वो ठहाका मारकर हंसने लगी। अरे मेरी प्यारी दीदी, ये नंबर है तो मिस्टर सहगल का ही, पर वो मनु के कजिन और बिजनेस पार्टनर हरीश सहगल का है। मैं भी एक बार इस गलतफहमी का शिकार हो चुकी हूँ। तब भी उनकी वाइफ ने ही कॉल रिसीव किया था और मैं सकते में आ गई थी। तब मुझे मनु ने बताया कि वो उसके कजिन हरीश का नंबर है और उसी की वाइफ ने फोन पर बात की थी। सॉरी दीदी, आप बहुत परेशान हो गई है मेरी वजह से। अंजलि की बात सुनकर पहले तो मैं अवाक रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब तक सहगल के कजिन का कहीं आता पता नहीं था और आज अचानक इसका नाम कहां से आ गया? पर फिर भी वो मनु सहगल नहीं था ये सोचकर तो मेरी जान में जान आ गई। मैंने कहा, अनु अगर सहगल यहाँ लखनऊ है तो तुम बेंगलोर क्यों हो? उसने कहा, हाँ दीदी मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि वो यहाँ नहीं है बल्कि 2-3 जगह टूर करते हुए लखनऊ पहुंच गए। मैं भी आज रात की फ्लाइट से ही निकल रही हूँ। हाँ अनु अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा मत बढ़ाओ, सहगल से बात करके उसे यहाँ घर लेकर आ जाओ, अब बहुत हो चुका ये सब। अंजलि ने कहा, हाँ दीदी 1-2 दिन में ही हम सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। शेखर इतना सब चल रहा था पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। हर बार मेरे मन में सहगल के प्रति संदेह बढ़ता ही जा रहा था। मैंने अंजलि को दोबारा कॉल करके कहा कि मुझे मनु का नंबर दो, मैं उससे बात करती हूँ, तुम भी सुबह तक पहुंच जाओगी और मैं भी उसको यहां बुला लेती हूँ। अंजलि से फोन लेकर मैंने मनु से बात की। हेलो हेलो मनु सहगल बोल रहे हैं? उधर से आवाज आई, यस आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा, प्रिया बोल रही हूँ, अंजलि की बड़ी बहन। मेरा फोन है सुनकर शायद वो थोड़ा सकपका सा गया, ऐसा मुझे लगा उसकी आवाज सुनकर। उसने कहा, ओ दीदी नमस्ते, मैं बस 1 मिनट में आपको वापस कॉल करता हूँ प्लीज। 2-3 मिनट में उसका कॉल आया। सॉरी बोलते हुए उसने कहा, एक्चुअली दीदी मैं अब टेरेस पर आकर बात कर रहा हूँ, वहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे। मैंने उससे पूछा, कहाँ हैं आप? उसने कहा, मैं लखनऊ ही हूँ, कल आया था। मैंने कहा, हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार सब बात फिक्स हो जाए, तुम लोगों को शादी अगर कुछ समय बाद भी करनी हो तो कम से कम सगाई या रोका तो कर लो जिससे कि हम भी निष्फिक्र हो जाएं। तुम्हारी फैमिली में क्या कह रहे हैं इस बारे में? तुमने अपनी फैमिली में बता तो दिया ना? सहगल मेरी इस तरह दो टूक बात सुनकर थोड़ा सकपका सा गया शायद, वो हाँ हूँ ही कर रहा था। मैंने फिर से पूछा, अपने घर में बात की तुमने अंजलि के बारे में?
उसने कहा, हाँ दीदी बस आजकल मैं और करता हूँ। मैंने कहा, कौन कौन है फैमिली में? मम्मी पापा हैं, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है तो तुम अपना दिल्ली का एड्रेस मुझे मैसेज कर दो, एक बार शेखर वहाँ आकर तुम्हारे परिवार से मिल लेंगे। उसने एकदम से कहा, नहीं दीदी इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें क्यों परेशान करना? अंजलि ने बताया था मुझे कि आप लोग भी दिल्ली रहते हैं, वैसे भी मम्मी पापा अधिकतर गांव ही रहते हैं, उन्हें शहर का माहौल और आबोहवा रास नहीं आती। मैंने कहा, अरे इसमें क्या हुआ, मिलना तो पड़ेगा ही ना, अभी अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहीं दिल्ली में हैं तो शेखर मिल लेंगे उनसे, पर तुमने उनसे बात की है या नहीं अभी तक? उसने कहा, एक्चुअली दीदी अभी काम में व्यस्त था तो सोचा था मिलकर ही बात करूंगा उनसे, अब वो लोग शायद अगले हफ्ते आने वाले हैं, मैं तब बात करता हूँ। मैंने चौंकते हुए कहा, अगले हफ्ते? अरे पर उन्हें पहले ही बुला लो ना, शादी पक्की करने के लिए तो आना जाना पड़ता ही है। मनु तुमने अब तक अपने मम्मी पापा से बात नहीं की, इसको मैं क्या समझूं? तुम उससे 10 साल बड़े हो, पर जिस तरह तुम लोगों का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है उसे लगता है कि तुम उससे भी ज्यादा ना समझ हो और या कुछ ज्यादा ही समझदार। देखो हो सकता है तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर जो मुझे लगा मैं वही कह रही हूँ। जरा सोच कर देखो कि 23-24 साल की लड़की अगले हफ्ते जिस आदमी से अपनी शादी के सपने संजो रही है, जो कि 33-34 साल का मैच्योर इंसान है, उसने अभी तक अपने घर वालों को बताया तक भी नहीं कि वो किसी लड़की से रिश्ते में है और पिछले कुछ महीनों से उसके साथ लिव इन में रह रहा है। तुम आखिर चाहते क्या हो अंजलि से? तुम्हारे मन में जो है वो बता क्यों नहीं देते साफ साफ? वो अगर तुम्हारे सामने कोई बचपना दिखाए तो समझ भी आता है, पर तुम तो अच्छे खासे मैच्योर आदमी हो और तुम्हारा रवैया एक 18-20 साल के लापरवाह लड़के जैसा लग रहा है। मेरी बातें सुनकर वो स्तब्ध था, ऐसा मुझे लगा, पर अचानक उसने कहा, मैं नहीं पड़ा था उसके पीछे, बल्कि वो ही मेरे इंप्रेशन में आई थी पहले, मेरा कारोबार, मेरा रुतबा, मेरी इंटेलिजेंसी, ये सब देखकर वो मुझसे प्रभावित हुई थी। मैं बस दोस्ती के हिसाब से उससे जुड़ा था, पर वो पूरी तरह से मुझ पर फिदा थी। अब एक यंग एज लड़की अगर अपने से 10-12 साल बड़े आदमी, जिसके साधारण शक्ल सूरत और अदरक नुमा शरीर हो, उसके प्रति इतनी दीवानगी दिखाएगी तो क्या सोचेगा वो? यही ना कि इतनी सुंदर और काबिल लड़की जिसे कोई भी हम उम्र और हैंडसम लड़का मिल सकता है, वो एक ऐसे मिसमैच आदमी पर कैसे लट्टू हो रही है? क्या ये वास्तव में प्यार करती है या बस इसे एक सेटल इंसान चाहिए जो इसकी जिंदगी की सभी परेशानियों को हल करने की क्षमता रखता हो, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए? उसको बहुत समझदार समझते हो ना, पर उसने जो नासमझी की है और जिस जिद पर वो अड़ी है, उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं है उसको। इसलिए मुझसे पहले बेहतर है कि आप अपनी बहन से ही बात करें, ऐसा बहुत कुछ है जो उसने आपको अब तक नहीं बताया। माफ कीजिएगा मुझे कि ये सब बातें इस तरह फोन पर आपसे करनी पड़ रही, पर जिस तरह आप एक सुलझी हुई खरी बात करने वाली लगी, इसलिए मेरे भी मन की सारी बातें मैंने आपसे कह दी है। अब आपसे एक ही बात कहूंगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैं अंजलि के साथ इन्वॉल्व हुआ, पर अभी बहुत देर नहीं हुई है, आप उससे बात कीजिए क्योंकि उसको मेरी सारी सच्चाई पता है। थक गया हूं मैं भी इस तरह मुंह छुपाता हुआ। उसी से पूछिए आप कि मैंने क्यों अपने घर पर नहीं बताया और क्यों बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जब हम जुड़े थे तब शादी की कोई बात नहीं हुई थी, पर उसके बाद वो मुझसे किसी भी कीमत पर शादी करना चाहती है और मैं वो कीमत नहीं चुका सकता, कभी नहीं, हरगिज नहीं। फोन कट होने की आवाज, पर प्रिया को जैसे कोई होश ही नहीं रह गया था। ये सब बातें सुनकर वो सुन्न सी हो चुकी थी। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई और उसकी दोनों आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने आंखें बंद कर ली। आखिर सहगल की कौन सी सच्चाई जानती है अंजलि, और वो क्या राज है जो सिर्फ सहगल और अंजलि को पता है, ये हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।